कोई शनि आपके बंधु जन, आपकी बहन बेटियों इस सत्य के साथ में जहां से भी आपने आगमन किया है, अपने स्वभाव की सराहना आप लोगों को करनी चाहिए। समयकाल परिस्थितियों को देखते हुए आप जिस दिशा में जाएंगे, जहां पर भी है, आपको जिस तरह से बरसात के मौसम में गांव देहात के ज्यादा महापुरुष हैं जानते हैं, एक कुकुरमुत्ता निकलता है खेतों में, कुकुरमुत्ता की तरह आज के वक्त में भगवान निकले हुए। अब उनका धंधा क्या है, उनका पेशा क्या है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं, हमें दर्शाने की जरूरत नहीं है। जाती अपने अपने स्वभाव की सराहना इसलिए आपको करनी चाहिए, समय काल के मुताबिक, जहाँ कुकुर मुत्ता की तरह भगवानों की कमी नहीं, सदगुरुओं की कमी नहीं, ऐसी समय काल खंड काल में आपको सच्चे ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सदगुरु के रूप में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य आप कितना ही धन अर्जित करें, महल दुमहले बनाए, कल कारखाने बनाए, उच्च उच्च से उच्च पद पाए, ये सौभाग्य नहीं है, ये तो दुर्भाग्य में बदलेगा, ये आपको संस्कारों से मिला हुआ है, प्रारब्ध से मिला हुआ है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक ही जीव कर्म में आता है। क्यों क्यों सौभाग्यशाली है, बीते समय आपने इसी स्थल पर असंख्य भक्तों की, कोई उपासकों की कोई तादाद नहीं होती है, गिनती नहीं गिनी जा सकती है। अगर आप लोग उपासक न रहे होते भक्त न रहे होते परमात्मा के, तो सतो की सतो प्रधान ये जीवन आपको प्राप्त नहीं होता। बीते समय जिस पर्पस से आपका आगमन हुआ, दुनियावी तौर पर गुरु पूर्णिमा का संदेश जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बीते समय भी दर्शाया गया था, ये आपके लिए परम सदगुरु पावन पर्व है। अगर इसमें गोता लगा लिया फिर ब्रह्मांड में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूर्व में भी दर्शाया है, आने वाले महापुरुषों को जानकारी दी गई है, आप लोग सत्य के साथ में आते हैं,
इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। आपका मार्गदर्शन स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सदगुरु बनकर करते हैं, कोई आदमी नहीं करता है। भजनों के माध्यम से आपने अभी श्रवण किया, एक एक शब्द अमूल्य था, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। भजनों के माध्यम से सब कुछ भजन गायक ने उन शब्दों के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी और ये भी बता दिया कि मानव तन दुर्लभ है, मिलेगा बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर फल लगा हुआ है, अगर वह फल टूट कर जमीन पर गिर जाता है, उस फल को आप दोबारा डाली पे लगाना चाहे यथावत संभव नहीं। यथावत उस डाली पर फल को नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार तने समझने का प्रयास करें आए हैं तो, ये आपको जन नारी का तन मिला है, ये बदतमीजी क्या है, दिमाग खराब हो गए। वर्दी पहने घूम रहे हैं, जरा लिहाज शर्म नहीं है, बैठा रहो नहीं, बाहर का रास्ता दिखाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कितने समय से आते जाते हैं, अगर आपकी आस्था श्रद्धा विश्वास मजबूत होता तो ये हरकत देखने को नहीं मिलती। केवल तमाशबीन है, बाहरी ड्रामा देखते हैं, ये मेला नहीं है, ये नुमाइश नहीं है, ये किसी की सभा नहीं है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा का उद्गम बन चुका है, उद्गम स्थल है जहां आत्मा का कल्याण होता है, जहां हर शब्द में ब्रह्म बाण अमृत होता है। अगर निकल जाओगे, पी जाओगे, हजम कर जाओगे तो तुम्हारा मान भी चोला सार्थक हो जाएगा। क्यों? राजा रहे नरंग इस भूलोक में जो आया, राजा रहे नरंग बलि रहे ना ओलिया, संतरी रहे ना मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय हो गया है उस तन की मृत्यु होगी। इस ब्रह्मांड में बचाना किसी के बस की बात नहीं। और हम आपको दर्शा देना चाहते हैं, परम गुरु नारायण साकार हरि परमात्मा का वचन मानकर अगर चल पड़े, आपकी आयु खत्म हो रही है और वचन मान के चल पड़े तो आयु बढ़ाने में देर नहीं लगती। जब परमात्मा के विभाग में भर्ती हो जाओगे और समर्पण होगा, परमात्मा का ही काम करोगे नारायण साकार हरि के निर्देशन में, तो आपको मौत छू नहीं सकती। निसंदेह इसमें संदेह लाने की जरूरत नहीं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, कीट पतंग जो भी आप देखिए, एक बूंद से आप की रचना माता के पेट में कर दी तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं हो सकता है। अभी आप देख रहे थे क्षण मात्र के लिए ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, आए होंगे लीला देख ले, ये लीला तो चल रही थी। थोड़ी देर पहले परमात्मा नारायण साकार हरि की लीला चल रही थी,
कुछ कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सांसें उखड़ने लगी, अब क्या होगा? होगा वही जो नारायण हरि परमात्मा चाहे। आपने देखा नहीं और जिन्होंने देखा होगा, ये जो क्षण मात्र में आपने लीला देखी थी, यहाँ से क्या क्या इशारे हो रहे थे। जिसने देखा वो समझ गया, जिसने नहीं देखा वो क्या समझ पाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। क्षण मात्र में नारायण हरि परमात्मा को नई सृष्टि की संरचना करने में देर नहीं लगती। ये आप समझे परखे, तमाम प्रकाश से देखे। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, पिक्चर, उसमें देखा होगा हीरो और हीरोइन का रोल क्या होता है। लेकिन हीरो हीरोइन इतने मजा में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं, जिसे कहते हैं बिलियन कहते हैं, बिलेन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बीच में आ जाता है, अनेकों व्यवधान पैदा करता है, चैन नहीं देने देता, शांति नहीं। अगर बिलेन न होता तो हीरो हीरोइन की पहचान नहीं होती। अंत में गिरते उठते विजय हीरो और हीरोइन की होती है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई सच्चा आत्म समर्पण वाला भक्त है तो वो निश्चय लोट कर ले। पिक्चर मूवी का एक इशारा था, जब से वो नारायण साकार हरि को संपूर्ण समर्पण करेगा, वचन मान के जीवन व्यतीत करेगा, उसके सामने कोई आला भला कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती है। कहीं आपको घंटा घंटुरिया बजाने की जरूरत नहीं रह जाती, कहीं कोई गंदा तावीज करने का